अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव इमरान खान का खिताब, सुन रहे हैं। पब्लिक लिबर्टी मार्केट में इकट्ठी हो चुकी है, आप देख सकते हैं सलीम शमशाद की इस वीडियो पर लाइव। 90 दिन के बीच में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कोई बड़ा लॉ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, कोई आपको जज नहीं होना चाहिए, वकील नहीं, कोई भी जज सरसरी तौर पे भी पाकिस्तान का 1973 का आईन पड़ेगा तो उसमें वाजे लिखा हुआ है कि जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होंगी 90 दिन में इलेक्शंस होने। जब हमने शुरू में जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कहा कि इलेक्शंस करवाओ, क्योंकि पाकिस्तान जब तक सियासी तौर पे इस्तेमाल नहीं आएगा पाकिस्तान माशी तौर पे डूबता जाएगा। तो हमें इनके नून लीग के बड़े बड़े सरबराहों ने, लीडर्स ने क्या कहा, इनकी सोशल मीडिया पे चले जाए, इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें। इन्होंने कहा ये अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो, अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करो अगर आप इलेक्शन चाहते हैं। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व कर दी। कानून के माहिरीन साहब ने पूछा कि क्या कोई गुंजाइश तो नहीं कानून में कि एक दफा गवर्नमेंट हम डिसॉल्व करेंगे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, कोई गुंजाइश तो नहीं इसमें। सारे माहिरीन ने कहा कि कोई गुंजाइश नहीं, हमने अपनी गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। और अब जैसी गवर्नमेंट डिसॉल्व की तो वही नून लीग के सरबरा शुरू हो गए कि नहीं जी इलेक्शन होने नहीं, और इलेक्शन क्यों नहीं होने, क्यों नहीं होने इलेक्शन, खौफ ज्यादा है, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कांपे टांग रही हैं कि अगर 37 बाय इलेक्शन में से 30 हार गए एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, हुकूमतें इनके साथ, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके तो डरे हुए हैं। जो भी सर्वे आती है उसमें इतना पीछे रह गए कि इनको पता कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये पाकिस्तान के आईन के खिलाफ जा रहे हैं कि किसी तरह ये बच जाए। ये ही गवर्नमेंट थी, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आज से एक साल पहले, हम मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं। जी ना, ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ये इस वक्त भीड़ का इससे ज्यादा चीज जमहूरी चीज क्या कि अब अवाम को फैसला करने दो। जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई अवाम को फैसला करने दो, ऑक्शन से गवर्नमेंट ना बने कि आप जमीन खरीदे पॉलिटिशियंस के, उनको 20-20 करोड़ रुपए दे के उनकी उनके जमीन खरीद के गवर्नमेंट कराए। हमने कहा इलेक्शन करवाओ, अवाम को सिलेक्ट करने दो, लेकिन यही जज बैठे हुए थे तब और इन्होंने फैसला किया कि नहीं हमने गलत गवर्नमेंट गिराई, इन्होंने शहबाज शरीफ को बाहर करवा दिया। और आज गवर्नमेंट उस सुप्रीम कोर्ट के 100 वोट ऑफ फैसले की वजह से आज बनी हुई है। अब आज वही सुप्रीम कोर्ट 100 वोट ऑफ लेता है और वो फैसला करता है 90 दिन का इलेक्शन, और अब ये सारे खड़े हो गए और अब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन कैबिनेट फैसले कर रही है कि हम मानते नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जब फैसला हमारे साथ है तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करे तो उनके बच्चों को, उनको, फैमिलीज को बुरा भला कहो, ब्लैकमेल करो। ये माफियाज हैं, इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल ठीक कहा था, सिसिलियन माफिया जो आप बैठे हुए माफिया के आप हो रहा है, मतलब भी समझ वो क्या है माफिया। खान साहब का लाइफ माफिया वो होता है वो जब अपने काम करवाने के लिए या तो लोगों की कीमत लगाता है जमीन की, उनको खरीदता है, रिश्वत देता है, जो ये शरीफ और जरदारी 30 साल से कर रहे हैं, या ये रिश्वत देते हैं।